हेलो दोस्तों, आज हम बनेंगे एंजल। चलो दोस्तों, आज पता लग जाएगा कि कौन ईवल है और कौन एंजल है। अरे पहले तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर ढेर सारा पैसा लोगे या पैसा बांटोगे? एए, मैं किसी को पैसा नहीं दूंगा, उल्टा मैं सारे पैसे ले लूंगा। अरे अब देखते तुम यहाँ पर क्या करोगे, लोगों को फ्री में पढ़ाओगे या उनसे पैसा लोगे? एए, फ्री में तो मैं किसी को मारता भी नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर ढेर सारे पैसे लूंगा। अरे यार ऐसे तो तुम यहाँ पर ईवल बन जाओगे। मैं ईवल नहीं, मैं हूँ एंजल। अरे उसका फैसला तो फाइनल में होगा कि तुम एंजल हो या फिर हो डेविल। मुझे पता है कि हमारा जान है एंजल। अरे अब तुम यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर तुम चोरी चकारी करोगे या फिर पढ़ लिख कर डॉक्टर बनोगे? इसका जवाब एकदम सिंपल है, मैं यहाँ पर चोरी चकारी करूंगा और देखो मैं यहाँ पर एंजल बन चुका हूँ। एंजल ये बेवकूफ, ये है डेविल। ओह नो। चलो नोबिता, अब तुम्हारी बारी है, तुम यहाँ पर दिन भर गेम खेलोगे या फिर बच्चों के साथ खेलोगे? अरे मुझे यहाँ पर गेम खेलना पसंद है। अब तुम ये बताओ, तुम यहाँ पर बुड्ढे होना चाहोगे या फिर जवान बच्चों के साथ खेलना चाहोगे? अरे फिर से मैं यहाँ पर खेलना चाहूंगा। अरे नोबिता कभी तो यहाँ पर पढ़ लो। अरे मुझे पढ़ना लिखना पसंद नहीं है। अब तुम यहाँ पर पार्टी करोगे या फिर अकेले घूमना पसंद करोगे? अरे मुझे तो दोस्तों के साथ पार्टी करने में बहुत मजा आता है। अरे अब तुम यहाँ पर स्पोर्ट कार लोगे या फैमिली कार? अरे मुझे तो स्पोर्ट कार पसंद है, जैसे लैम्बोर्गिनी। और देखो मैं यहाँ पर कितना ज्यादा एंजल बन चुका हूँ। अरे अब तुम ये बताओ, तुम यहाँ पर माफिया बनना चाहोगे या सिजुका के साथ फैमिली बसाना चाहोगे? अरे मुझे सिजुका के साथ फैमिली बसानी है। अब पता लग जाएगा तुम यहाँ पर एंजल बनते हो या फिर डेविल बनते हो। अरे ये क्या, मैं तो यहाँ पर डेविल बन गया। oh, no. चलो गई, सब मैं बनूंगा एंजल। अरे देखते तुम यहाँ पर एंजल बनते हो या फिर डेविल। अरे तुम यहाँ पर बॉडी बिल्डर बनना चाहोगे या पतली हड्डी? बॉडी बिल्डर, देखो मैं कितना ज्यादा हट्टा कट्टा लग रहा हूँ। अरे अब तुम यहाँ पर राजा बनना चाहोगे या फिर नौकर? क्योंकि मुझे राजा बनने में मजा आता है। अरे अब तुम ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पर ढेर सारे पैसे चाहिए या तुम पैसे को सेव करोगे? पैसा तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा पसंद है। और अब तुम ये बताओ, तुम अपना पैसा गरीबों को दोगे कि नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं अपना एक रुपए भी किसी को नहीं दूंगा। अरे चलो देखते तुम यहाँ पर एंजल बनोगे या फिर डेविल। ये क्या, मैं तो डेविल बन गया। ओके गाइस, अब यहाँ पर मैं खेलूंगा। अरे मुझे तो पता है कि नियो भैया यहाँ पर डेविल बनेंगे। अरे यार सबसे पहले मैं यहाँ पर मैथ लूंगा क्योंकि मुझे मैथ करना बहुत ज्यादा पसंद है। अरे तुम जो मर्जी ले लो, तुम तो एक नंबर का डेविल हो नियो भैया। तुम हमें पार्टी भी नहीं देते और हमारा खाना खाते हो। एक मिनट, मैं यहाँ पर क्या लूँ क्या लूँ? हाँ मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करूंगा पैसे। अरे तुम जो मर्जी करो, तुम यहाँ पर डेविल बन के ही रहोगे। oh, no. अरे वो तो आगे पता लगेगा कि मैं यहाँ पर क्या बनूंगा। मुझे पता है तुम यहाँ पर डेविल बनोगे क्योंकि तुम खाने से पहले हाथ नहीं धोते। अबे यार इतनी छोटी बात में कोई डेविल थोड़ा बन सकता है। और ये देखो नियो भैया तो यहाँ पर एंजल बन गए। चलो दोस्तों, अब हम यहाँ पर गॉड बन चुके हैं और हम डिसाइड करेंगे किसको हम स्वर्ग भेजेंगे, किसको हम नर्क भेजेंगे। अरे यार ये बंदे को हमें नर्क भेजना चाहिए क्योंकि ये समोसे के साथ हरी चटनी नहीं देता। इतना बड़ा जुर्म, इसे तो हमें नर्क में भेजना चाहिए। भैया इतना भी बड़ा जुर्म नहीं है कि समोसे के साथ चटनी नहीं देता। अरे तुम्हें क्या पता मुझे हरी चटनी कितनी पसंद है, मैं तो इसको नर्क में ही भेज के रहूंगा। सही कहा, तू नर्क में जाएगा। चलो गाइस अब इसकी बारी है, इसका नाम है कल्लू बदमाश और ये सबको काला काला बोल के चिढ़ाता है। भाई ये खुद तो काला, ये दूसरे को काले क्यों बोलता है? अरे हमें क्या पता, इसलिए इसे सबक सिखाना होगा। इसको हम भेजेंगे नर्क में। नर्क में जब इसके पकौड़े बनेंगे तब इसको समझ में आएगा किसी को कलवा बोलना कितना बड़ा जुर्म है। अरे हाँ गाइस, चलो गाइस इसको हम फटाफट से नर्क में भेज देते। अरे यार पता नहीं तुम्हारे किसी को नर्क में क्यों भेज रहे हो, इसने इतना बड़ा जुर्म तो नहीं करा? अरे इसने बहुत बड़ा जुर्म करा, जा कलवे अब तेरा बनेगा पकौड़ा। ये देखो गाइस यहाँ पर आ चुका है खिलाड़ी नंबर वन। लेकिन इसकी शॉट में तो लिखा हुआ है 24। इसका नाम है खिलाड़ी नंबर वन। अरे यार इसका जुर्म बस इतना है कि आज ये मैच में हार गया। अरे तो फिर हमें इसके साथ क्या करना चाहिए, इसे नर्क में भेजे या फिर स्वर्ग में? अरे बेवकूफ, इसके लिए तो हमें इसे स्वर्ग में भेजना चाहिए। अरे चलो फिर इसको हम स्वर्ग में भेज देते। ये देखो गाइस यहाँ पर कल्लू बदमाश लड़की को छेड़ रहे। अरे वो लड़की नहीं छेड़ रहा, वो लड़की का पर्स चुरा रहा है। अरे फिर हमें क्या करना चाहिए? अरे यार हमें तो इस प्यारी सी लड़की को बचाना होगा। सही में ये लड़की कितनी ज्यादा प्यारी है। अबे गाइस हमें उसे बचाने का तरीका ढूंढना चाहिए। और एक काम करते, कल्लू बदमाश को इसका खाली पर्स दे देते। उतने
मेरी लड़की यहाँ से भाग जाएगी और हम इसको बचा लेंगे। ये देखो गाइस, यहाँ पर ये दो लोग बैठ के खाना खा रहे और यहाँ पर ये कीड़ा इनको परेशान कर रहा है। ओह नो, और ये कीड़े को मारेंगे तो हम इनको नर्क भेज देंगे और अगर ये कीड़े को खाना खिलाएंगे तो हम इनको स्वर्ग भेज देंगे। देख तो ये यहाँ पर क्या करते है, इसे मारते या फिर खाना खिलाते। अरे ये क्या, इन्होंने इसको खाना खिला दिया, इसका मतलब ये दोनों स्वर्ग जाएंगे। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर हम फिर से डिसाइड करेंगे किसे हम स्वर्ग भेजेंगे किसे नर्क भेजेंगे। अरे ये देखो गाइस, यहाँ पर ये इस तरह के गाने सुनता है। और ये गाना था या फिर शोर था, ऐसे गाना सुनने वाले को तो हमें नर्क भेजना चाहिए। अरे फिर काम करते, इसको हम फटाफट से नर्क में भेज देते। वहाँ जाके जब इसकी चीख निकलेगी तभी से पता लगेगा ऐसे गाना सुनना कितना बड़ा क्राइम है। अरे चलो अब इसकी बारी है, इसने क्या करा है। अरे यार, ये स्कूल की टीचर है और होली में जिन जिन बच्चों ने होली लगाई थी इसने उन सबको मुर्गा बनाया था। अरे क्या मुर्गा बनाया था, ये तो बहुत बड़ा क्राइम है, वो भी होली के दिन। अरे यार, बच्चों को तो होली खेलने में बहुत ज्यादा मजा आता है और अगर वो एक दूसरे को रंग लगा लेंगे तो कौन सा बड़ा क्राइम होगा। अरे फिर काम करता, इस मैडम को हम भेजता है नर्क, वहाँ पर जाके बच्चों को पढ़ाएगी। ये देखो, ये तो वही हल्लू हलवाई वाला। अरे हाँ यार, अब ये समोसे के साथ हरी हरी चटनी देने लग गए। अरे फिर इसका मतलब है इसे हम स्वर्ग भेजेंगे। चलो तुम जाके स्वर्ग में ऐश करो। अरे चलो जान, अब तुम खेलना शुरू करो। मैं तो यहाँ पर सबसे पहले डेविल बनूंगा क्योंकि मुझे डेविल बनने में बहुत ज्यादा मजा आता है। अरे इसकी शक्ल ही डेविल जैसी है, वो डेविल ही तो बनेगा। डाइवर बनने के बहुत मजे है क्योंकि हमें यहाँ पर बड़े बड़े सिंग और बड़ी बड़ी पूछ मिलती है और साथ ही साथ तुम्हारी शकल भी तो भूत जैसी हो जाती है। भूत को मारो गोली, अब देखो यहाँ पर मैं क्या सिलेक्ट करता हूँ। अरे तुम्हें यहाँ पर छपरी गाने सुनना पसंद है या फिर दूसरे। मुझे छपरी गाने सुनना पसंद है क्योंकि मैं हूँ छपरी जियान, दिन भर गाता हूँ और रात को ढेर सारा खाना खाता हूँ। अरे गाइस, ये देखो यहाँ पर जियान पूरा बन चुका है छपरी डाइवर। और इसके कितने बड़े बड़े पंख है। Oh, no! अभी तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मुझे वो बड़ा सा खजाना चाहिए। अरे पहले खजाने तक पहुँच तो जाओ, क्या पता तुम यहाँ पर बीच में ही गिर जाओ। और ये क्या, तेरे पंख तो गिर रहे जियान, लगता तू वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तुमने मुझे ऐसा वैसा समझा क्या, मैं हूँ छपरी जियान और यहाँ पर मैं खजाने तक पहुँच के रहूंगा। ये देखो जियान तो पहुँच गया खजाने तक। ये सारा का सारा खजाना मेरा हुआ। चलो गाइस, अब खेलने की बारी मेरी है। और तुम भी यहाँ पर डेविल बनोगे क्या। अरे बिल्कुल नहीं, मुझे तो एंजल बनना पसंद है। लगता है तुम्हें वो खजाना नहीं चाहिए। अरे देखना, यहाँ पर मुझे खजाना भी मिलेगा और मैं एंजल भी बनूंगा। वैसे गाइस, अगर आपको एंजल बनना तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो और अगर आपको यहाँ पर डेविल बनना है तो फटाफट से वीडियो को डिसलाइक करो। अरे यहाँ पर मैं गाड़ी लूँ या फिर बाइक लूँ। बाइक नहीं, वो साइकिल है। अरे चलो मैं साइकिल ले लेता हूँ। जैसे तुमने साइकिल ली, तुम्हारे तो पंख देखो यहाँ पर गोल्डन से ब्लू हो चुके। अरे अब मैं यहाँ पर क्या लूँ, गन लूँ या फिर फूल लूँ। फूल ले लो फूल, तभी तो तुम यहाँ पर एंजल बन पाओगे। अरे गाइस, ये देखो मेरे तो कितने प्यारे पंख लग रहे। पूरे पंख ही प्यारे, लगता तुम यहाँ पर हार जाओगे। यहाँ पर तो एंजल हमेशा हारते हैं और तुम भी यहाँ पर हार जाओगे। अरे गाइस, आपको क्या लगता है यहाँ पर मैं खजाने तक पहुँच पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। अगर गाइस आप चाहते हो नोबिता खजाने तक पहुँचे तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके वो घंटी भी दबा दो। ये देखो नोबिता खजाने तक पहुँच गया।